आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या ऊंचाई दूरी या ऊंचाई दूरी। अब इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, यानी दो तरह के कोणों के ऊपर पूरा ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें से 6 नंबर का सवाल श्योर आपको मिलेगा पक्का। अब होता क्या है, ये ज़मीन है क्षैतिज तल, इस पर खड़े होकर कोई व्यक्ति यदि ऊपर किसी मीनार, घर या टावर के शीर्ष को देख रहा है, नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर, तो जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति यदि शीर्ष पर खड़ा है, मीनार के या घर के या भवन के शीर्ष पर खड़ा है और नीचे की ओर किसी बिंदु को देख रहा है, नीचे की ओर यदि नीचे निगाह झुकाकर इस तरीके से देख रहा है नीचे की ओर, तो अवनमन कोण बनता है क्षैतिज से। इस तरह से लाइन खींचने के बाद ये वाला अवनमन कोण, ये वाला नहीं, ये वाला अवनमन कोण। और उन्नयन कोण जब नीचे ऊपर की तरफ निगाह उठा के देखता है, यानी शीर्ष को देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब अवनमन कोण। अब इसमें जो है, इसमें जिस जैसे यहाँ पर मान लो ये वाला थीटा है, अब इसने ये वाली एक भुजा का जिक्र कर लिया और एक इसने ये वाली भुजा का जिक्र कर लिया, तो हम ये देखेंगे इन दोनों भुजाओं में कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसमें जो ऊपर उपस्थित होते हैं, ऊपर कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, इन तीन में से किसी एक का इस्तेमाल हो जाता है। अब ये क्या है, इसके अनुसार सामने वाला लंब और ये क्या है, कर्ण, लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में होता है साइन, तो साइन का सूत्र लग जाएगा। सपोज कीजिए ये वाला और ये वाला जिक्र हो जाए, तो ये लंब है या आधार है, लंब और आधार में टेन का जिक्र हो जाएगा। अब इसका और इसका जिक्र हो जाए, ये कर्ण है या आधार है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस का जिक्र हो जाएगा। तो अब यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज 9.1 की ओर। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल, ये चित्र हमें दिया हुआ है और क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोरी है और सर्कस का कलाकार यहाँ से इस तरह से ये ऊपर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई है एकदम, इसमें कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर खंभा लगा हुआ है, ये वाला जो ए बी है, ये क्या चीज़ है, ये है खंभा, भूमि पर क्या लगा हुआ है, ये खंभा, खंभा लगा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर है और डोर ये जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा ये ए भी है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, एच है इसकी ऊंचाई, एच, ये हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई एच है। अब पहले हिंदी लिख दी जाती है, जो हमने माना होता है, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब इसमें ये देखा जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है h, और 20 हमें दे रखा है, ये कौन सी भुजा है, समकोण के सामने वाली ये कर्ण हो गई, इस कोण का जिक्र हुआ है, इसके सामने ये वाली लंब हो गई, यानी कर्ण और लंब के पदों में हम सूत्र देखेंगे कौन सा होता है। तो लाल बटे कक्का यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टैन होता है। अब ये कर्ण, ये लंब, लंब और कर्ण में किसका सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है, साइन का सूत्र, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में किसका जिक्र होगा, साइन का, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, क्योंकि 30 है यहाँ पर इसलिए साइन 30 बराबर कितना, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब इसके सामने वाली भुजा ये कितनी है, ए बी, यानी ए बी बटा कर्ण कितना है, कर्ण ये वाली होती है समकोण के सामने वाली, ये कितनी है, ए सी, ए सी। अब यहाँ जगह पर मान रख देंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर का निशान है बराबर, ए बी हमने खंभे की ऊंचाई कितनी मानी है, एच बटा, ए सी कितना है 20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, ये कितना हो गया 2h बराबर 20 एकम 20, 2 की एच से 2h बराबर 20 एकम 20, इस साइड कर लेते हैं, h बराबर 20 और नीचे आ जाएगा ये 2, 2 से काट देंगे ये 10 बार कटेगा, h बराबर आ जाएगा कितना 10 मीटर। फिर जैसे ही h का मान निकल के आ जाएगा, फौरन हिंदी में लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई जो हमने माना होता है ऊपर, वो हिंदी में ज़रूर लिख देते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई h मीटर होगी। अतः खंभे की ऊंचाई h मीटर होगी। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब
दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये पेड़ है इस तरह से, और ये यहाँ से टूट गया इस जगह से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी ये टूटा हुआ भाग जो है वो मुड़ गया इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी ये मुड़ा और इस तरह से मुड़ के, अब ये पेड़ यहाँ पर है तो ज़मीन पर ही लगा हुआ होगा ये इस तरह से, अब ये जो टूटा हुआ भाग है ये ज़मीन पर इस तरह मुड़ता कि इसका शिखर जो है यानी ऊपरी हिस्सा जो है वो मुड़कर क्या हो जाता है, वो मुड़कर ज़मीन को छूने लगता है, यहाँ पर इसे छूने लगा, यहाँ ये पूरा पेड़ है, आंधी आने से यहाँ से ये पेड़ टूट गया, फिर ये टूट कर मुड़ के ज़मीन को छूने लगा, इसका शिखर यानी ऊपरी हिस्सा यहाँ पर आ गया। आगे क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का ये कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ कहाँ पर ही रहेगा, पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, पाद बिंदु ये सब नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहा जाता है नीचे का, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को कहाँ छूता है, यहाँ पर छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ छूता है ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है, ये कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर, 8 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल ज्ञात करना है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा टूटे हुए भाग की, ये भी कह सकते था टूटे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या जो शेष बचा पेड़ वो भी, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है। तो एक काम करते हैं, ये वाली मान लेते हैं स्मॉल एच जहाँ से टूटा है पेड़, और ये वाली मान लेते हैं कैपिटल एच, वो तो कुछ भी मान सकते हैं, हमारी दिल की इच्छा है, जो चाहें वो मान सकते हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं, अब नामकरण इसका कर लेते हैं ए बी और सी। अब माना पेड़ की ऊंचाई जो है, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, पेड़ की ऊंचाई एच ये और कैपिटल एच ये दोनों मिलाकर पूरा टोटल पेड़ होगा। अच्छा जितना ये है उतना ही टूटकर झुका है और यहां पर जमीन पर लग गया है, यानी हमने जब वो कैपिटल एच माना है तो ये भी कैपिटल एच ही होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही टूटकर यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से झुक गया। तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी टोटल यानी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच मीटर है। अब हम स्मॉल एच का मान ज्ञात कर लेंगे, कैपिटल एच का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारी पेड़ की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो पहले स्मॉल एच का मान ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, ये जो हमें आधार दे रखा है इसकी सहायता से, जो हमें आधार दिया हुआ है उसकी सहायता से हम स्मॉल एच का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, ये आधार ये लंब, तो आधार और लंब के पदों में, ये आधार है ये लंब है, आधार और लंब के पदों में टेन का सूत्र होता है, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है, कितना होगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब सामने वाला, सामने वाला कितना है बी सी, बी सी और बटा आधार कितना है ये ए बी। अब यहाँ पर जगह पर मान रख देते हैं, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर बी सी कितना है, बी सी है एच बटा ए बी कितना है, ए बी है 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की एच से गुणा कर देंगे, साइड कर लेते हैं तो √3H हो जाएगा, ये √3H बराबर ये कितना है 8 × 8, तो एच का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर। अभी इसे इतना ही रहने देते हैं, अब दूसरा वाला उठाते हैं, कैपिटल एच ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल एच ज्ञात करने के लिए ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, आधार और कर्ण के पदों में सूत्र देखना पड़ेगा, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के पदों में होता है कोस का सूत्र, कोस का सूत्र होता है, तो हम कोस का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी, ए बी और बटा कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, ए सी कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी कितना है, ए बी है ये 8 बटा ए सी कितना है, ए सी हमने माना कैपिटल एच। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3H बराबर 8 × 16, √3H = 8 × 16। अब ये √3 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे पहुँच जाएगा, यानी H बराबर हो गया 16/√3 मीटर।
फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई याद करना है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यानी इस तरह से हिंदी में लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच बराबर स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच है 8/√3 प्लस कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच है 16/√3 बराबर। अब अगर नीचे दोनों एक से हैं, जब नीचे दोनों एक से हैं तो लासा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले ऐसे ही जोड़ देंगे जब हर एक से होते हैं, तो 8 और 16 होगा 24/√3। अब अंडररूट वाला पोर्शन कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसका परिमेयकरण करा जाएगा, यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा √3/√3, तो कितना हो गया 24/√3। परिमेयकरण मीन्स जो ये है वही ऊपर नीचे लिख देते हैं, 24√3/√3 की गुणा 3 से काट देंगे, 3 × 8 = 24 बराबर कितना आ गया 8√3 मीटर, यानी अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक ठेकेदार है वो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करती है वो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर, मान लो ये ज़मीन है, इसका शिखर यानी ये इस तरह से कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये इस तरह से उसके बाद ऊंचाई पर, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर, ये भूमि है कितना झुका हुआ हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, इस तरह से फिसलन पट्टी, यहाँ से फिसलन पट्टी होगी इस तरह से, तो ये कितने पर झुका हुआ हो, 30 डिग्री पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र का मीन्स हो गया, इस साइड कर लेते हैं ये, इससे अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक, ये है कम उम्र के बच्चों के लिए, वहाँ पर कम की जगह बस अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है ये, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 1.5 मीटर है और अब क्या करना चाहती है, वो 3 मीटर ऊंचाई की लगाना चाहती है, यानी इससे थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए चित्र में भी, 3 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहती है, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का इस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद करा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये मान लेते हैं ए बी सी से, और इसे कह देते हैं पी क्यू आर, पहले इसमें देख लेते हैं फिसलन पट्टी कौन सी है, फिसलन पट्टी ये वाली, इसे मान लेते हैं L1 लंबाई, और इसे मान लेते हैं L2, ये फिसलन पट्टी दूसरी वाली हो गई, तो सीधी सीधी बात है बिल्कुल, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब और कर्ण के पदों में कौन सा सूत्र होता है, लंब और कर्ण के पदों में होता है साइन, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, sin 30 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ए बी, और बटा कर्ण कितना है AC, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB कितना है 1.5 अपॉन AC कितना है L1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी L1 बराबर 15 × 30 और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 3.0 मीटर, इसका मीन्स हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ये लंब ये कर्ण यानी समकोण त्रिभुज पी की वार में, समकोण त्रिभुज पी की वार में sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है पी क्यू बटा कर्ण कितना है पी आर, और sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर पी क्यू कितना है 3/PR L2 हमें ज्ञात करना है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, अब इस साइड कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3L2 बराबर
रूट थ्री एल टू बराबर तीन दूनी छः, तो एल टू बराबर हो जाएगा छः और नीचे आ जाएगा अंडर रूट तीन। अब इसका परिमेयकरण कर लिया जाएगा, अंडर रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा, तो एल टू बराबर हो जाएगा कितना, छः अंडर रूट तीन और बटा अंडर रूट तीन की गुणा तीन, तीन से काट देंगे, तीन दूनी छः, यानी एल टू बराबर कितना हो जाएगा, दो अंडर रूट तीन मीटर, दो अंडर रूट तीन मीटर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अतः पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ऐसे हिंदी लिख दी जाएगी, अतः पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई तीन मीटर तथा पाँच वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई दो मीटर। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है इस तरह से, ये भूमि है, अब इसका एक बिंदु हम ये मान लेते हैं, ये वाला बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ पर मीनार है, और पाद बिंदु मतलब होता है इसका नीचे का हिस्सा, ये क्या हो गई, ये हो गई मीनार, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये नीचे का हिस्सा 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो बिंदु है ये मीनार का शिखर, मीनार ये है, मीनार ये पूरी है और शिखर इसका ऊपर वाला हिस्सा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला कितना है, ये 30 डिग्री है। उसके बाद क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सी वाली मानी हमने, ये वाली, तो मान लेते हैं ऊंचाई को हमेशा एच कह देते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। सबसे पहले हमने मीनार की ऊंचाई एच मानी है, तो हिंदी में लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, एच यानी ये हो गया लंब, और हमें दे के रखा है आधार, लंब और आधार के पदों में टेन का सूत्र होता है, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से वाले में, ए बी सी में, ए बी सी में कितना हो जाएगा, टेन 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब मींस इसके सामने वाला कितना है, ये ए बी, यानी ए बी और बटा आधार कितना है, आधार ये वाला यानी बी सी। अब टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी है एच अपॉन बी सी कितना है, बी सी है 30, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, √3 की एच से हो जाएगी, इस साइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा, √3H बराबर 30 एकम 30, अब ये √3 आ जाएगा नीचे, यानी एच बराबर हो जाएगा 30/√3, √3 कहाँ गया, नीचे, अब जैसे ही √3 नीचे आ जाए, √ वाला नीचे आ जाए, फौरन परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण का मतलब होता है ये वाली चीज़ ऊपर और नीचे लिख देते हैं बस गुणा का निशान लगा के, फिर इसकी सामने गुणा हो जाएगी, यानी h बराबर 30 √3 बटा √3 की गुणा 3 हो जाएगी, 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 30, यानी h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी इस तरह से लिख दिया जाएगा, अतः नई लाइन में लिख दिया जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अब पांचवा सवाल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी ये भूमि है, भूमि, और भूमि से कितने मीटर, मान लो ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पर ये पतंग क्या उड़ रही है, पतंग, भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर है, ये भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है, यानी ये चीज़ हमें कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है, क्योंकि भूमि से, भूमि ये मान ली कितने मीटर ऊंचाई पर है पतंग, 60 मीटर, यानी 60 मीटर। आगे क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी मान लो यहाँ से जो है पतंग में लगी डोरी को बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये मान लेते हैं यहाँ से बांध दिया गया है, इस जगह से, इसे मिटा देते हैं, इस जगह से जो है वो बांध दिया गया है, अब भूमि का, और उसके बाद क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी इस तरह से बांध दी गई है पतंग से, इस तरह से, अब ये भूमि के साथ, भूमि ये है और डोरी ये आ रही है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर बांध दिया जाता है, ये क्या हो गई, जो पतंग उड़ रही है उसकी डोरी, क्योंकि जब पतंग उड़ेगी तो इस तरह से उड़ेगी, तो ये क्या हो गई, पतंग की डोरी जो है। उसके बाद क्या कह रहा है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की जो लंबाई है यानी ये हमें ज्ञात करना है, मान लेंगे ये एल है या एच कुछ भी मान सकते हैं, माना डोरी की लंबाई, ऐसे हिंदी में लिख दिया जाता है, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई कितनी है, एल मीटर है, एल मीटर है। अब सूत्र जो है ये देखा जाएगा, ये लंब है, ये कर्ण है, लंब और कर्ण के पदों में किसका सूत्र होता है, लंब और कर्ण के पदों में होता है साइन का सूत्र, यानी समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज कौन से में, इसका नामकरण भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में काय का सूत्र होगा, ये लंब ये कर्ण, लंब और कर्ण होता है साइन, यानी साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ए बी और बटा कर्ण कितना, कर्ण ये ए सी, मान रख देंगे टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 बराबर ए बी कितना, ए बी 60 और बटा ए सी, ए सी हमें ज्ञात करना है यानी एल, क्योंकि हमने एल माना है तो एल लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, एल की अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 एल हो जाएगी ये, बराबर 60 दूनी 120, अब ये अंडर रूट 3 जो है वो आ जाएंगे नीचे, यानी एल बराबर 120 बटा अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 आ गए नीचे। कभी भी अंडर रूट वाली चीज़ नीचे आ जाए तो इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है, यानी अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, इसकी सामने गुणा कर देंगे, एल बराबर 120 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की गुणा 3, अंडर रूट की गुणा करते हैं अंडर रूट हट जाता है, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 ये 0, ऐसी एल बराबर कितना आ गया 40 अंडर रूट 3 मीटर, 40 अंडर रूट 3 मीटर। आखिर में हिंदी क्या लिख दी जाएगी, अतः पतंग की डोरी की, ये डोरी जो है अतः डोरी की लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, छठा सवाल। अब यहाँ से 6 नंबर के सवाल स्टार्ट हो गए जिसमें दो एंगल आते हैं, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, जैसे ये ज़मीन है, अब ज़मीन पर जो लड़का खड़ा है वो इस तरह से खड़ा है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ये वाली जो लंबाई है ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है भवन है इस जगह पर, ये क्या चीज़ है, भवन, भवन 30 मीटर ऊंचे, ये भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर खड़ा है, उसके बाद क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये ऊंचे भवन की ओर चल रहा है, इधर को चल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से, उसकी आँख से, अब आँख जो होगी ये 1.5 मीटर लंबा है, अब आँख जो होती है लगभग ऊपरी हिस्से पे होती है, लगभग ऊपरी हिस्से पे, यानी यहाँ से इस जगह से उसकी आँख से शिखर के, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन का शिखर ये है, इसकी आँख से यानी यहाँ से, तो इसे नहीं सीधा इस तरह से मिला देंगे ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके इसे मिला देंगे, तो भवन के शिखर से आँख का, यहाँ भवन का शिखर ये है, आँख ये है, ये इस तरह से देख रहा है, कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री। अब ये भवन की ओर थोड़ी दूर चला, चलने के बाद थोड़ी दूर यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर इस जगह पर आ गया, ये इस जगह पर लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यहाँ पर आ गया ये लड़का इस जगह पर, मान लिया ये जो दूरी चला वो एक्स दूरी चलकर इस साइड में आ गया भवन की ओर, x मीटर दूरी चल के यहाँ पर आ गया यहाँ पर, फिर उसके बाद जो कोण हो गया इसका वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कोण इसका हो गया। आगे क्या कह रहा है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया है, भवन की ओर कितनी दूरी, यानी यहाँ पर था पहले फिर यहाँ पर चलकर आ गया, यानी ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, इसे भी कहते हैं, ये सोच लेते हैं वाई चलकर आया, मान लेते हैं इसे, नामकरण ए बी सी और ये डी, ए बी सी और डी। अब यहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स सवाल में गलती क्या करते हैं, 30 मीटर यहाँ तक नाप लेते हैं, लेकिन इसका जो लंब होगा नहीं, क्योंकि वो 1.5 मीटर लंबा तो लड़का है और आँख से उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ती है, यहाँ तक की। अब यहाँ तक की जब दूरी निकाली जाएगी, पूरी है 30, यहाँ तक टोटल 30 है, अब लड़का कितने लंबा है 1.5 मीटर, तो इस पूरी में से ये वाली घट जाएगी, कितनी बचेगी 30 में से 1.5 घटा देंगे, जब 1.5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 28.5 मीटर बचेगी, 28.5 मीटर। अब इसकी पहले हिंदी लिख लेते हैं, माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का किसकी ओर, भवन की ओर, भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया है, x मीटर दूरी चलकर गया है, तो पहले हम एक काम करते हैं, जो देखने में छोटा लगता है उस त्रिभुज को ले लेते हैं, एक तो ये बन रहा है ए बी और डी पूरा, और एक ये बन रहा है ए बी सी, तो जो देखने में छोटा लग रहा है यानी ये वाला ए बी सी, ये वाला, ये त्रिभुज पहले ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला है, ये ए बी सी में, ए बी सी में, अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, तो टेन 60, टेन का सूत्र होता है टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, अब लंब क्या होगा इसमें, लंब होगा ए बी,
ए बी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ए बी यहाँ पर नहीं है, इस जगह पर है। ए बी अपॉन आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा बी सी। टेन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन, बराबर ए बी कितना, ए बी है 28.5, 28.5 बटा बी सी कितनी है, बी सी है वाई। अब इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री वाई बराबर 28.5। अंडर रूट थ्री नीचे आ जाएगा, यानी वाई बराबर हो जाएगा 28.5 बटा अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री इस साइड कर लेते हैं। अब ये अंडर रूट थ्री जब नीचे आ गया तो अब क्या होगा इसका, जैसे ही कोई चीज़ अंडर रूट नीचे आ जाता है किसी के नीचे, फ़ौरन परमेकरण कर दिया जाता है, यानी अंडर रूट तीन से ऊपर और अंडर रूट तीन से नीचे गुणा। अब इसके सामने इधर को गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा वाई बराबर 28.5 अंडर रूट तीन बटा अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन की गुणा तीन हो जाएगी। अब तीन से इसे काट देते हैं, तीन नम 27, तीन नम 27 एक बचेगा, इधर जाएगा 15 हो जाएंगे, पॉइंट ऐसी 3 × 5 = 15, यानी वाई बराबर हो जाएगा, तीन से काट दिया, तीन नम 27 एक बचा, 15 हो गया, 3 × 5 = 15, वाई बराबर 9.5 अंडर रूट तीन मीटर। ये आ गया काय का मान, वाई का, यानी इतना मान। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना, हमें ये एक्स ज्ञात करना। अब जो दूसरा त्रिभुज बचा ये 30 डिग्री वाला, इसे ले लेते हैं। ये कौन सा होगा, ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में। कितना हो जाएगा टेन 30 बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब सामने वाला यानी ए बी, और बटा आधार पूरा फुल बी डी, यहां तक बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी ए बी डी में, यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में पूरा टेन 30 यहां तक लिया जा रहा है ना, इसलिए तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी है 28.5 बटा बी डी कितना है, बी डी यहाँ तक हमने वाई ये माना, एक्स ये माना है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई कितना है, ये एक्स प्लस वाई इस साइड कर लेते हैं। अब मान रख देते हैं 1/√3, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, एक्स प्लस वाई की जब एक से होगी तो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 की √3 से होगी तो 28.5 √3, 28.5 √3। अब यहाँ पर y की जगह पर ये y का मान यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा x प्लस y की जगह पर 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। अब ये मान उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 28.5 √3 इधर को आके ये माइनस का 9.5 √3। अब ये कट जाएगा, मतलब घटा लिया जाएगा, कितना 28 में से 9 घटा देंगे क्योंकि आधे में से आधा जाएगा तो ख़त्म हो गया, 28 में से 9 घटा देंगे डायरेक्ट, कितना बचेगा, जब 28 में से 9 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 अंडर रूट 3 मीटर। यानी क्या लिख दिया जाएगा, अतः लड़का भवन की ओर 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चलकर गया है।